नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था कि जो प्रसिद्धि किताब है उससे मैं पूरे नोट्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये जो भी वीडियो आपको के लिए बनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको आप लोग जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि जितने भी 12 इसमें लगभग 12 विषय सूची में 12 चीज़ें पाठ दिए गए हैं, तो 12 पाठ में कम से कम कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनना है जो इम्पोर्टेंट है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार के आ सकते हैं। तो आगे का वीडियो आप लोग देखेंगे और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पर्यावरण जो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने जो पाठ्यक्रम बताया था वो ये बताया था कि जो है SCERT की किताबों से, प्रसिद्धि किताबों से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरा एक प्रयास है कि मैं जहाँ तक आपको कवर करा सकूँ पर्यावरण के क्वेश्चन, वहाँ तक कवर कराऊँ। और मैंने पिछले जो वीडियो बनाए हुए हैं उसमें वन लाइनर जो क्वेश्चंस थे वो सारे बताए हुए हैं उसमें, और फिर मैंने जो है कुछ अलग से करने की कोशिश की है। तो मैंने ये पूरी किताब जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संबंधित है, इस वीडियो में मैं पूरी किताब आपको जो है उसका जो निचोड़ होगा, जो एसेंस होगा, उसका पूरी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर किसी चीज़ में कोई मतलब गलती हो जाती है या जो है डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उस क्वेश्चन को जो है आप लोग बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ बहुत लोग कह रहे थे PDF के लिए, तो मैं PDF के लिए मैं आपको बता दूँ कि जल्द ही मैं आपको जो है एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, उसमें जो है मैं लिंक उसका दे दूँगा। आगे आने वाले वीडियोज़ में आप वहाँ से उसको ले करके और PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं जो अब वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक ही वीडियो में मैंने कोशिश की है, इसी वजह से मेरा वीडियो जो है काफ़ी देर हो गई, और मैं जो है सुबह से कोशिश कर रहा था, प्लान कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो ये जो वीडियो है ये बड़ा ज़रूर होगा, लेंथी ज़रूर हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है बेसिक शिक्षा परिषद की जो उच्च प्राथमिक स्तरीय जो बुक है उससे पूरी तरीके से उसको मैं इसमें फिनिश करने वाला हूँ। तो चलिए आगे चालू करता हूँ। तो इसकी जो विषय सूची है कुछ इस प्रकार है, लगभग इसमें 12 पार्ट दिए हुए हैं, तो मैं हम लोग जो है एक एक करके पढ़ने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें इसको। फिलहाल किताब से अगर मैं पाठ पढ़ाऊँगा तो वो उसमें ज़्यादा वो नहीं आएगा आपको, कि किताबों में जो है बहुत कुछ लिखा हुआ है बेसिक स्तर पे लिखा हुआ, वो सब आप लोग जानते हैं। जो चीज़ें हैं जो ये 12 दिए हुए हैं, जो चीज़ें इनमें हैं वास्तव में जो पेपर में आने वाली हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं ताकि पूरा कवर हो सके। तो दोस्तों, हमारा पर्यावरण, पर्यावरण की बात करते हैं, तो पर्यावरण जो 6, 7, 8 के लिए जो निर्धारित नई जो किताब है, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया वो पुरानी किताबों का है, ये जो नई किताब है उससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा पर्यावरण जो है वो पाठ 1 से चालू होता है। पाठ 1 है प्रकृति एवं जीव जंतु पारस्परिक निर्भरता। अब देखिए, इन्होंने बताया पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी कि परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। तो पर्यावरण से ही समस्त जीवधारियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व है, पहले पार्ट से चालू कर रहे हैं। अब देखिए इकोलॉजी, इसमें दिया इकोलॉजी, इकोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं, परिवेश का अध्ययन करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए सजीव और निर्जीव घटक, दो घटक हैं, कौन से, सजीव हो गया निर्जीव हो गया।
सजीव और निर्जीव दो घटक हो गए, ठीक है, एक तंत्र बनाते हैं, दोनों मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसे इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम, समझ गए, सजीव और निर्जीव घटक मिलकर के। अब देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, मैदानी जो है हो सकता है इकोसिस्टम, पठारी इकोसिस्टम हो सकता है, और पर्वतीय इकोसिस्टम हो सकता है। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र जलीय, मैदानी, पठारी और पर्वतीय होता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, फिर इकोसिस्टम के कौन से दो घटक होते हैं, पहला हमने बताया आपको सजीव घटक होते हैं। सजीव घटक कौन से, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य एक दूसरे के लिए पोषण का कार्य करते हैं, वो सजीव घटक हो गए। अब सजीव घटक एक पद देखिए, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के दो घटक सजीव निर्जीव, सजीव और निर्जीव। फिर अब सजीव के जो हैं वो तीन प्रकार होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए तीन प्रकार होते हैं। अब देखते हैं तीन प्रकार, याद रखिएगा, इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेगा, वीडियो पूरा देखिएगा, मैं दोबारा वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, ये पूरा मैं मुझे इसी वीडियो में ख़त्म करना है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो है पूरी तरीके से पर्यावरण की जो पुस्तक है उसका निचोड़ दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। अब सजीव घटक जो है वो तीन प्रकार का हो गया, और तीन प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया उत्पादक। उत्पादक कौन से होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सुपोषी। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है कि सुपोषी किसे कहते हैं, या परिभाषा दी रहेगी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है सुपोषी कहते हैं। अब प्रथम उत्पादक कौन से हो गए, उत्पादक जो थे वो कौन कौन से हो गए, हरे पेड़ पौधे, सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, CO2 की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से ये जो है अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, जड़ों से जल लेते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थित होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्ण हरिम जिसको बोलते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, उत्पादक यानी सपोसी और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में जो है क्या कहते हैं, पर्ण हरिम इसको हिंदी में कहते हैं, कभी कभी आ जाता है कि पर्ण हरिम जो है किस में पाया जाता है, तो आपको बता देना है कि जो है हरी पत्तियां, हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, अगला तो पहला हो गया उत्पादक, उत्पादक आप लोग समझ गए। अब चलिए उपभोक्ता की बात करते हैं, उपभोक्ता में जो है प्रथम उत्पादक पर निर्भर होते हैं, यानी कि जो प्रथम उत्पादक है यानी हरे पेड़ पौधे, उनका जो भक्षण करते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, परपोषी, सुपोषी, परपोषी, क्लोरोफिल, ठीक, क्लियर हो गया। जो प्रथम उत्पादक पर निर्भर करते हैं यानी हरे पेड़ पौधों पर, यानी कि जैसे घास है और घास को बकरी खा रही है, तो बकरी क्या हो गई, प्रथम उत्पादक पर निर्भर हो गई यानी परपोषी हो गई, तो ये उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता में जो होते हैं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, तीन तरह के होते हैं उपभोक्ता। चलिए जान लेते हैं कौन से। अब हो गए प्रथम चरण के उपभोक्ता, प्रथम चरण के उपभोक्ता कौन से हैं, हरे पेड़ पौधों पे जो निर्भर हैं, ठीक है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे उत्पादक हैं, सुपोषी हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। तो प्रथम चरण के हो गए जो हरे पौधों पे निर्भर हैं, गाय, बकरी, हिरण और मनुष्य को भी आप कह सकते हैं, वैसे तो वो द्वितीयक में आता है, प्रथम में भी आता है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों है। अब द्वितीय कौन से हो गए, द्वितीय देख लीजिए, द्वितीय में शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं, यानी शाकाहारी जंतु कौन से, गाय, बकरी, हिरण, इन इन मतलब जंतुओं को जो खा लेते हैं वो द्वितीयक हो जाए, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए मृत जीवों के भोजन के रूप में लेने वाले, यानी अब देखिए मृत जीवों को, यानी कि जैसे मान लो शेर मर गए या कोई वो मर गया, तो गिद्ध, चील, बाज, कौवा उनको खा लेते हैं, उनका सड़ा हुआ जो है जो मांस वो खाते हैं, तो वो क्या हो गए, अपमार्जक हो गए, मृत जीवों को भोजन लेते हैं, और इनको तृतीय उपभोक्ता भी आप कह सकते हो, तृतीय चरण के उपभोक्ता। तो यानी तृतीय चरण के उपभोक्ता जो हो गए वो क्या हो गए, अपमार्जक हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं अपघटकों की, अपघटक क्या होते हैं, मृत जीवधारियों और सड़ी गली वस्तुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जैसे कोई शेर मर गया,
तो सिर जब सड़ गया तो पूरी तरीके से, तो उनको बैक्टीरिया खाने लगे। बैक्टीरिया मतलब तो सड़ी गली और मृत जीवधारियों को जो ग्रहण करते हैं उनको क्या कहते हैं, मृतो मृतपोषी। तो सुपोषी हो गया, मृतपोषी हो गया, अब मार्जक हो गया, परपोषी हो गया, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, तो सजीव घटकों की बात होगी, अब बात करते हैं निर्जीव घटकों की। निर्जीव घटक कौन से होंगे, यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट, प्रकृति से प्राप्त, यानी जो प्रकृति से प्राप्त हैं, जैसे जल, वायु, पोषक तत्व तो और सौर ऊर्जा। सजीवों का विकास जो है सही ढंग से तभी संभव होगा जब निर्जीव घटक रहेंगे, याद रखिएगा। आगे अब देखिए निर्जीव घटकों में कौन कौन से हैं। पहला है स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या होता है, पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं, ठीक है। जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, रेगिस्तान हो गया, मैदान हो गया, ये स्थलमंडल है। आगे चलते हैं, अब जलमंडल की बात करेंगे। जलमंडल पृथ्वी के जलयुक्त सभी भाग जलमंडल हो गए। अब पृथ्वी का जो 3/4 हिस्सा है, याद रखिएगा, 3/4 हिस्सा जो है वो जल है, जल है। एक हिस्सा जो है पृथ्वी है, और पृथ्वी का 3/4 जो है हिस्सा वो जल है, बाकी पर्वत, पठार, रेगिस्तान और मैदान है, ठीक है। अब कौन कौन से जल मंडल के अंतर्गत है, महासागर है, नदी है, सागर है, नाले, झील, तालाब, ठीक है, समझ आ गया। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको इसमें से पूरा सिलेबस मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है आगे चल करके, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको आगे। चलिए वायुमंडल की बात कर लेते हैं। वायुमंडल में क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ जितनी भी वायु है वो सब मिलकर के वायुमंडल बनाती है। उसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है और अन्य गैसें भी हैं, ठीक है। तो वायुमंडल का क्या कार्य है, जो प्रकाश की किरणें आती हैं, जो प्रकाश की विकिरण आती है धरती पर, उनको जो है उस विकिरण को जो है ओजोन लेयर से छान करके जो है भेजती है और फिल्टर करती है। अब ये फिल्टर की तरह कार्य करता है वायुमंडल, ये मान के चलिए। सूर्य की तेज किरणों से रक्षा करता है, और वनों के कटान से पर्यावरण असंतुलन की स्थिति, जो वनों का कटान हो रहा है उससे पर्यावरण असंतुलन की स्थिति बनी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ गया फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, तो फूड वेब जान लीजिए कि जो आपस में ये होंगे, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य क्या शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, तो उसको कहीं किसी भी प्रकार से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे अब देखिए सूर्य, सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य किसको ऊर्जा दे रहा है, हरे पौधों को दे रहा है। हरे पौधे कौन खा रहा है, हिरण खा रहा है, ठीक है। अब बाज, बाज किसको, जब शेर, अब देखिए शेर क्या कर रहा है, शेर क्या कर रहा है, शेर का जो मृत शरीर है, शेर का जो मृत शरीर है वो अपघटक अपघटन हो रहा है उसका, ठीक है। और यहाँ पे एक वो निशान लगाना मैं भूल गया था, शेर हिरण को खा रहा है, ठीक है, और भेड़िया जो है बकरी को खा रहा है, बाज जो है भेड़िया जो मर जाता है उसको खा रहा है, भेड़िया और शेर को क्या कहते हैं अपघटक खा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सब एक दूसरे में, जितने भी उत्पादक उपभोक्ता और मतलब जितने भी जन जीव जंतु हैं वो आपस में उलझ करके एक फूड वेब बनाते हैं, उसको फूड वेब बोलते हैं, आहार जाल बनाते हैं। अब देखिए सूर्य प्रकृति में सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का, ये पूछा जाता है कभी कभी, ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, वृक्षों के लगातार घटने से प्रकाश ऊर्जा का 1 से 5% भाग, याद रखिएगा, 1 से 5% भाग पृथ्वी तक पहुंच पाता है। आपको मैंने पहले ही, आपको मैंने पहले बताया था कि पृथ्वी का जो 3.4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर धरातली स्रोत कौन से हैं जल के, पृथ्वी की सतह पर जो जल मौजूद है, नदी, तालाब, समुद्र, समुद्र खारा होता है, समुद्र के एक ये क्वेश्चन है कि नमक बनाया जाता है इसके पानी से। पृथ्वी पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है यहाँ पे, कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल वितरण, यानी सागर 97.2%, बर्फीली चोटियाँ 2%, भूगर्भ जल 0.62%, स्वच्छ पानी की झीलें 0.009%, आंतरिक समुद्र व खारी झीलें 0.008%, और वायुमंडल 0.001%, फिर नदियाँ हो गई 0.0001%, टोटल हो गया 99.81310%, ठीक है, समझ आ गया। ये आप याद रखिएगा, सागर जो है 97.2% पे हैं। आगे बढ़ते हैं,
गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, मैंने नदियों वाले में बताया है, 2510 किलोमीटर की है भारत की सबसे बड़ी नदी। अब भूमिगत जो स्रोत हैं वो हैंडपम्प और कुआं हो गए। वर्षा के जल को इस प्रकार रोकना कि तालाब झीलों, हाँ, जल का पुनर्भरण। तो पुनर्भरण कैसे करते हैं, जल संचयन जिसको बोलते हैं, मतलब जो बारिश का पानी हो उसको एकत्र करना तालाब में, और सारी चीज़ें। हिमनद क्या हो गए, पर्वत चोटियों ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के रूप में जो पहाड़ बने हैं वो हिमनद हो गए। इनका जल जो है स्वच्छ और मृदु होता है। अब वायु की बात करते हैं, वायु के चारों ओर गैसों का घेरा, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है घेरा, मैंने आपको बताया कि अगर वायुमंडल ना होता तो जीवन ना होता, मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो वायुमंडल का महत्व, यानी कि ये गैसें जो हैं, नाइट्रोजन 78%, O2 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.3%, याद रखिएगा, इनसे एक क्वेश्चन जो है आना ही आना है। सबसे बड़ा स्रोत सूर्य, आप लोग जानते हैं। जल चक्र, जल का वाष्प में बदलना, वाष्पीकरण। अभी जल चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है जल चक्र। जल चक्र में आप देख सकते हैं कि नीचे जो है भूमिगत जल है, सागर है ये, और मर्दा, यहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है, फिर क्या बोलते हैं, पानी जो इकट्ठा हो रहा है जल, उसको संघनन बोलते हैं। फिर ये बारिश हो रही है, यहाँ से फिर धीरे धीरे जल वापस आ रहा है, और फिर वही प्रक्रिया चल रही है, इसको जल चक्र कहते हैं। फिर जीवन व ऑक्सीजन, यानी श्वसन जो है जीवन की मुख्य क्रिया है। अब देखिए, वायु मनुष्य भी ले रहा है और पौधे भी ले रहे हैं। फिर मनुष्य क्या कह रहा है, कर रहा है, मनुष्य जो है O2 ले रहा है हरे पौधों से, और उनको बदले में क्या दे रहा है, CO2 दे रहा है। तो एक दूसरे के पूरक हो गए। अब आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं। वायु का 1/5% भाग जो है जलने में सहायक होता है। वनों के कटान से जो है CO2 बढ़ सकती है, यानी जब वन ही नहीं रहेंगे तो विनाश बढ़ सकता है, ठीक है। और जल O2 का सबसे बड़ा भंडार है, मतलब जल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मछली जो है गलफड़ों से सांस लेती, कई बार पूछा गया है। जीवों के रहने की जगह, मतलब जीवों के रहने की जगह का जो भाग है ये पूछा जा सकता है। तो 1/3 भाग पर, जहाँ पे जो भी स्थल हो वहाँ पे 1/3 भाग पर जो है पौधों का होना आवश्यक होता है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ, याद रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। CO2 कौन मुक्त करता है, लकड़ी, कोयला, LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका फुल फॉर्म है घी, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल के जलने से, ठीक है। अपशिष्ट गैसें कौन सी हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन, याद रखिएगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बात करते हैं पाठ 3 की, बढ़ती जनसंख्या एवं हमारा पर्यावरण। मैंने कोशिश की कि बहुत जल्दी में जो है मैं इसको शॉर्ट में ख़त्म कर दूं। जनसंख्या आधार, ये पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आपको लगभग 15-20 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो संभावित हैं, आने वाले हैं। जनसंख्या का आधार जो है आप जानते हैं, चीन को पहला है और भारत दूसरा है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ना किस कारण, वनों के कटान के कारण। जनसंख्या बढ़ेगी तो वनों का कटान बढ़ेगा, जिससे जो है पर्यावरण असंतुलित होगा। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि से समस्या क्या हो सकती है, बहुत सारी समस्या हो सकती है। खाद्यान्न, जीवन गुणवत्ता, आवास, जल पूर्व, स्वच्छता, चिकित्सा, रोजगार, यातायात, प्रदूषण, पेयजल, यदि जनसंख्या बढ़ती है तो इन सब चीज़ों की कमी हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट, विश्व जनसंख्या दिवस, इसको नोट कर लीजिए, ये नोट करने वाला है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से आधे से अधिक लोग एशिया में रहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है, भारत में प्रतिवर्ष उतनी वृद्धि होती है जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या वास्तव में है। हर साल जो है हम लोग उतना जो है बढ़ते हैं, याद रखिएगा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ 4 पे चलते हैं। पाठ 4, कृषि एवं पर्यावरण। अब देखिए, पहले खेती करते थे प्रारंभिक काल में, तो आदिमानव जो होते थे कंद मूल फल खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे। धीरे धीरे जो है वो संपूर्ण होता गया, वो सब आप लोग जानते हैं। फिर उन्नत प्रणाली आई, आधुनिक कृषि विकसित हुई, ट्रैक्टर ट्राली और जो भी कृषि का कार्य है वो मशीनों से होने लगा। अब क्या है, जल, नदी, वर्षा, वायु, मिट्टी, ये जो है
धरती की जब ऊपरी परत हो बहा ले जाती हैं या कटान हो जाता है मिट्टी का, तो ऊपरी परत उपजाऊ होती है वो चली जाती है, जिससे जो है कृषि का जो है उत्पादन कम हो जाता है। अब क्या, जब वो मिट्टी का कटान हुआ तो वो नदियों में चला गया। अब नदियों में जाने से नदियां जो हैं उनकी गहराई थोड़ा कम हो गई, यानी कि वहां पे मिट्टी पट गई। तो मिट्टी जब पट गई, जब गहराई कम हुई तो जल संरक्षण कम हुआ, तो जल धारण करने की क्षमता में उनमें कमी आ गई। ये चीजें हो रही हैं, केवल इनका कारण है कि वनों का कटान। अब देखिए क्या बात करते, उर्वरक की बात करते हैं। उर्वरक में जो कार्बनिक खाद है, जैसे गोबर, हरी खाद, कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, ये जैविक खाद है, इनका उपयोग ज्यादा करना चाहिए। हानिकारक खाद कौन सी है? अब हानिकारक जो है वो रासायनिक खादें हैं। 60% ही रासायनिक खादों का पौधे उपयोग कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि 60% ही उपयोग कर पा रहे हैं। केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है, मिट्टी को भुरभुरी कर देता है, जिससे उसमें जो है वायु प्रवेश कर जाती है। वायु प्रवेश करने के साथ साथ जो है उनको ऑक्सीजन मिलती है पौधों को, जिससे जो है क्या कहते हैं वो पूरी तरीके से जो है पनप पाते हैं, और उपजाऊ भुरभुरी मिट्टी जो है उपजाऊ होती है। इस वजह से किसान मित्र कहा गया केचुआ। चलिए आगे चलते हैं। मैंने इस चैप्टर में पूरी कोशिश की है कि कुछ छूटे ना। अब देखिए, कीटनाशक रसायन के छिड़काव के लिए गैस मास्क का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे होंगे गैस मास्क का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पशुपालन की। तो पशुपालन में जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, भेड़ पालन, तमाम तरीके के पालन है। डेयरी उद्योग चल रहा है, मुर्गी उद्योग चल रहा है, जो भी है आप लोग जानते हैं। अब बात करते हैं पाठ पाँच की, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? सबसे पहला जो है अपूर्य स्रोत। अपूर्य स्रोत कौन से होते हैं? वे स्रोत जिन्हें एक सीमा के अंदर पुनः जीवित नहीं किया जा सकता, यानी मतलब ऊर्जा आई उसमें और वो खत्म हो गया, पूरी तरीके से नष्ट हो गया। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखिएगा, आ जाता कभी कभी। फिर बात करने नवीनीकरण स्रोत की, तो नवीनीकरण स्रोत कौन से हो गए? जो पुनः नवीनीकृत हो जाए, यानी पुनः उनको जो है उसी फॉर्म में वापस किया जा सके। अब देखिए कौन सी है, सौर विकिरण यानी सौर ऊर्जा, समुद्री लहरें, अवशिष्ट पदार्थ, जैव भार। ये मतलब कंटिन्यू काम करते रहते हैं, ये किसी ना किसी रूप में काम करते रहते हैं। और इन सबके स्रोत का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है, याद रखिएगा। जैव भार, जैव भार क्या होता है? जैव भार वही होते हैं अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा करकट, और फिर जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल है वो, उनको आप मान लीजिए कि जैव भार है। वो क्या करते हैं, फिर उनका अपघटन होता है जिससे जो बायोगैस बनती है। फिर आगे बात करते हैं सीसा युक्त तो पेट्रोल की। ये बहुत खतरनाक पेट्रोल होता है, लेडेड पेट्रोल बोलते हैं। कभी आ जाए कि लेडेड पेट्रोल किसे कहते हैं, तो आप सीसा युक्त पे ही निशान लगाएंगे। काफ़ी जो है ये वातावरण में जा करके या किसी माध्यम से जा करके जो है बहुत नुकसान पहुंचाता है, बहुत पोल्यूशन करता है। सीएनजी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जल ऊर्जा की बात करते हैं, जल ऊर्जा क्या होती है? जल जल से जो है टर्बाइन लगा के विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत बनाई जाती है। यहाँ पे दिए विद्युत संयंत्रों की सहायता से जो है बांध बना करके फिर टरबाइन लगाते हैं, फिर उससे जो है विद्युत पैदा करते हैं। तो ये प्रकार की जल से पैदा हुई जल ऊर्जा हो गई। वायु ऊर्जा की बात करें तो पवन चक्की आपने देखी होगी, लगी होगी, तो पवन चक्की से जो है पवन ऊर्जा जो है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा की बात करें तो सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है सोलर सिस्टम की सहायता से। सोलर सिस्टम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। सौर विद्युत, सोलर कुकर, पहले सोलर कुकर बनाया जाता था, मॉडल बनाया जाता था। आगे बात करते हैं ज्वार भाटा क्या होते हैं। ज्वार भाटा जो है समुद्री लहरों के ऊपर उठने वाला, मतलब समुद्री की लहरों से ऊपर उठता है, फिर उसमें परिवर्तन होता है, फिर टरबाइन की सहायता से जो है सामुद्रिक ज्वारी ऊर्जा उत्पादित की जाती है, जिसे टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी जो है आप लोग याद रखिएगा। आधे पे आ गए हम लोग, पार्ट 6 पे आ गए। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? फासिल फ्यूल, यानी कि जो सहस्त्रों वर्षों तक जो है जीवाश्म दबे रहते हैं, उनका जब विघटन होता है तो वहाँ से जो फ्यूल निकलता है, प्राकृतिक खादें निकलती हैं, यानी कोयला की खाने, तेल और प्राकृतिक गैस वगैरह। अगली बात करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 है पर्यावरण एवं उद्योग, यानी कि पर्यावरण उद्योग, कच्चा माल जो क्या कहते हैं खानों से कच्चा माल निकलता है, उसको जो है
उसमें जैसे कच्चा माल कौन सा, लोहा कोयला लुगदी कपास वगैरह, और फिर उन्हीं से जो है पक्का माल बनाया जाता है, जिसको जैसे लोहे से स्टील बनाया जाता है, और कारखानों से अपशिष्ट गैसें, तो ये जो कारखाने लगे होते हैं इनसे जो गैसें निकलती हैं, इनसे जो रिसाव होता है उससे जो है पर्यावरण जो है प्रदूषित बहुत ज़्यादा होता है। अब चलिए जान लेते हैं अपशिष्ट पदार्थ कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस अपशिष्टों की। ठोस अपशिष्ट जो हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कूड़ा करकट, शीशी, बर्तन, बोतल, कांच, प्लास्टिक, ये हैं अपशिष्ट पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल होता है। अब देखिए इसमें सड़ने गलने वाले जो होते हैं जैविक होते हैं, और जो नष्ट नहीं होते हैं वो अजैविक होते हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं इसी को लेकर के। अब प्लास्टिक जो है उसका पुनर्चक्रण कर लिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कूड़ा करकट से जो बोतल वगैरह बीनते हैं उन पुनर्चक्रण के लिए, तो जो है उसका पुनर्चक्रण होकर फिर वही बन जाता है। अब देखिए पॉलीथीन को गलने और सड़ने में 200 वर्ष लगते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 200 साल लग जाते हैं उसको गलने और सड़ने में। अब आगे चलते हैं, अब कंपोस्ट पिट की बात करें। कंपोस्ट पिट दिया हुआ था तो ये 4 महीने में खाद तैयार होती है। नीचे जो है इसमें हमने कंकड़ बिछा दिए और फिर उसमें कचरा डालते रहे, कचरा डालते रहे, वो 4 महीने में सड़ करके जो है कंपोस्ट खाद के रूप में बन जाता है, और यहाँ पर नमी रहना आवश्यक होता है, ठीक है, समझ गए। कंपोस्ट पिट। द्रव अपशिष्ट की बात करें तो द्रव अपशिष्टों में नालियों का गंदा पानी, सीवेज, गंदा और विषैला जल, ये द्रव अपशिष्ट हो गए। फिर गैसीय अपशिष्ट, तो गैसीय अपशिष्ट कौन से हो गए, जो उद्योग कारखानों से जो निकलने वाला धुआं होता है उसमें जो है गैसीय, यानी कि CO2, SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह आदि गैसें। आपने देखा होगा कि त्वचा संबंधी रोग बहुत होने लगे हैं, तो केवल इन्हीं कारण से होने लगे हैं, वनों का कटान हो रहा है और उद्योग धंधे पनप रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नज़र डाल लीजिए, सन 1900 में जो है कितनी जनसंख्या थी, 1.5 अरब जनसंख्या थी, वर्ल्ड की बात हो रही है। फिर 100 साल में कितनी हो गई, 6 अरब हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं किस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। अब जो है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, कानपुर में 250 भी अधिक चर्म उद्योग यानी टेनरीज, 250 से उद्योग लगे हैं, जिनका जो है गंदा पानी, जो अपशिष्ट पानी है, जल है, उसको जो है गंगा जल, गंगा जी में डाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कानपुर है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भोपाल गैस त्रासदी, ये जो पर्यावरण के हर बार आप लोग पढ़ते होंगे, ये त्रासदी हुई थी अमेरिका की जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कीटनाशक जो रसायन था MIC गैस का उत्पादन करती थी इनकी कंपनी, और भूमिगत कंटेनरों में इसका भंडारण होता था, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका नाम कई बार पूछा गया है। 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी ये त्रासदी, और इस ट्रेजिडी में मिथिल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, और कुछ ही घंटों में वायु प्रदूषण के द्वारा 2500 लोग मारे गए थे, कुछ ही घंटों की बात मैं कर रहा हूँ। तो मिग गैस का उत्पादन अगर पूछ लेता है कि मिग गैस जो है कौन सी गैस है इसमें से, तो आपको बताना है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है। MIC का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कब हुई थी, तो 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। तो आप 2500 लोग मारे गए थे कुछ ही घंटों में, और फिर हजारों जानवर, मैंने मतलब बहुत ही ऐसी गैस थी कि जिससे जो है वायु प्रदूषण से काफ़ी लोग मारे गए थे, बहुत जनहानि हुई थी। अब देखिए विगत 100 वर्षों में 36 लाख टन CO2 वायुमंडल में छोड़ी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड 36 लाख टन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अमेरिका जो है CO2 पूरे विश्व का जो है 23% भाग अकेले उत्सर्जित करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ सकते हैं, 23% याद रखिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, भारत से प्रतिवर्ष 10 करोड़ मेंढक पश्चिमी देशों को निर्यात किए जाते हैं, पश्चिमी देशों को 10 करोड़ मेंढक। मेंढक करते क्या हैं, मेंढक अगर इतने मेंढक जो है एक साल में प्रतिदिन इतने मेंढक, 10 करोड़ मेंढक प्रतिदिन 1000 टन मच्छरों को जो है और फसल नाशी कीटों का नाश करते हैं। आप देखिए पर्यावरण असंतुलन यहाँ पे हो रहा है पूरी तरीके से, यानी 10 करोड़ मेंढक जो है पश्चिमी देशों को भारत निर्यात करता है। पाठ 7 इसमें दिया हुआ है, प्रदूषण और हमारा स्वास्थ्य, यानी कि
सजीव निर्जीव घटक जो है एक दूसरे पर निर्भर हैं। भूमिगत जल स्रोत जो है उसकी वो नीचे जा रहा है, वाटर लेवल उसकी कमी हो रही है। हवा का पांचवा भाग ऑक्सीजन है, हवा का पांचवा भाग ऑक्सीजन है। एक सामान्य मनुष्य प्रतिदिन में कितनी बार सांस लेता है? 22,000 बार, याद रखिएगा। वायु, जल, मृदा तथा जीवन में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाते हैं जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है? वही प्रदूषण होता है। वास्तव में भारत में 80% बीमारियां जो हैं जल प्रदूषण से होती हैं, क्योंकि जैसे सीवेज का पानी है या गंदा पानी है, जल भराव है, तो उससे कई चीज़ें होती हैं। प्रति 1 लाख व्यक्तियों में से 360 की मृत्यु होती है आर्थरो, टाइफाइड, पेचिस और जल जनित रोगों से, याद रखिएगा आप लोग। 90 डेसीबल की ध्वनि में 8 घंटे व्यक्ति काम कर सकता है 90 डेसीबल पर, और 100 डेसीबल पर वो केवल 1 घंटे काम कर सकता है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषित क्षेत्रों में जो है, जैसे मान लो 10 लोग, जैसे मान लीजिए 10 लोग रह रहे हैं, एक ध्वनि प्रदूषित क्षेत्र है, उसमें से 6 छात्र, 6 10 में से 6 लोग जैसे होंगे जिनको कम सुनाई पड़ेगा। अब आ जाते हैं पाठ 8 पे, पर्यावरण असंतुलन मानव हस्तक्षेप का परिणाम। 8वें पाठ में क्या है? भूमि पर बढ़ता दबाव यानी कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब देखिए 1901 में 23.84 करोड़ थे हम जनसंख्या थी भारत की, फिर 1951 में कितनी हो गई? 36 करोड़, 36.11 करोड़ हो गई, ठीक। फिर 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से 121.02, यानी कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है और भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, कितनी जनसंख्या है? 19 करोड़, 2011 के आंकड़े हैं, यानी कि 16.49%, 16.49%, ठीक है, 19 करोड़। सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं मथुरा रिफाइनरी की। मथुरा रिफाइनरी एक तेल शोधक कारखाना है, ठीक है, जहाँ से SO2 का उत्सर्जन होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, और वो परिवर्तित होती है सल्फ्यूरिक अम्ल में यानी H2SO4 में। फिर उसके बाद और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो संगमरमर का क्षरण करता है, जिसकी वजह से जो है ताजमहल को खतरा है। तो आप लोग याद करिए, कभी कभी पूछ लेते हैं ताजमहल को जो है खतरा किस चीज़ से है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं दिया हुआ है तो आप SO2 लगा सकते हैं, ठीक है, या पूछ सकते हैं मथुरा रिफाइनरी से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो आपको SO2 लगाना है। अब देखिए गाँव में गोबर गैस संयंत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। नदियों में फ्लोराइड, आर्सेनिक, ये जहरीले तत्व हैं, आर्सेनिक और फ्लोराइड ये नॉर्मली जल में हैं, और आजकल जो पीने वाला पानी है उसमें भी आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। अब देखिए रासायनिक कौन कौन से हैं जो जल में घुल जाते हैं? कैडमियम, कैडमियम याद रखिएगा, इससे एक रोग होता है इटाई इटाई, कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है। सीसा है, पारा है, पारा से मिनामाता रोग हुआ था जापान में, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। अब देखिए ई कोलाई, ई कोलाई जो जीवाणु है, एंट अमीबा कोलाई, ये एक जीवाणु है, ठीक है, ये परजीवी है जीवाणु। तो ई कोलाई जो है वो पेचिस के लिए, यानी कि अगर पेचिस का आ जाए तो आप जीवाणु लगाएंगे और साथ में लगाएंगे कि एंट अमीबा कोलाई से होता है, ठीक है। हिमखंड प्रतिवर्ष 25 से 30 मीटर की गति से सिकुड़ रहे हैं, हर साल जो है हिमखंड पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है जिससे जो है वो गल रहे हैं, 25 से 30 मीटर जो है वो छोटे हो रहे हैं। समुद्र में तैलीय अपशिष्ट खतरनाक, ठीक है, तैलीय अपशिष्ट क्या हो गए? रिफाइनरियों से जो रिसाव होकर के जाता है वो तैलीय अपशिष्ट होता है, ठीक है, उसमें कई प्रकार की गैसें भी जो है लिक्विड फॉर्म में मिली हुई होती हैं। वृक्ष आच्छादित जगह पर जहाँ पे पेड़ होते हैं वहाँ पे तापमान जो है 1 से 1.5 डिग्री से 5 डिग्री तक कम होता है। वृक्ष ध्वनि से, ध्वनि को कितना कम करते हैं? 6 से 8 डेसिबल, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये याद कर लीजिएगा, 6 से 8 डेसिबल वहाँ पे ध्वनि कम होगी जहाँ पर वृक्ष होंगे। अब आ गया पाठ 9, पाठ 9 कौन सा है? पर्यावरण आपदाएं और हमारा जीवन। तो अब देख लीजिए प्राकृतिक कौन कौन सी है, भूकंप है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, वनों में आग, शीतलहर, सुनामी, ये प्राकृतिक हो गई।
पूछ रहा था कि इसमें से प्राकृतिक कौन सी है और मानव जनित कौन सी है, तो आपको उसमें डिफाइन कर लेना है, ठीक है। मानव जनित कौन सी, बम विस्फोट है, नाभिकीय रिसाव है, रेडियो एक्टिव तत्व और रासायनिक कारखाने जो उद्योग लगे हैं जहाँ से जो है रासायनिक के रूप में तैलीय अपशिष्ट निकलते हैं, मिट्टी का क्षरण और दुर्घटनाएं, जनसंख्या की वृद्धि के मानव जनित आपदाएं। और अगर फिर भूकंप की बात करें तो भूकंप जो है भुज में गुजरात में आया था 26 जनवरी 2001 को। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर मापक के आधार पर किया जाता है, कितने रिएक्टर का भूकंप आया आपको याद आ रहा होगा। और रिएक्टर पैमाने की जो है खोज किसने की थी, चार्ल्स एफ रिएक्टर ने, इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा। इस पे 0 से 9 के बीच जो है अंक होते हैं और उन्हीं की सहायता से जो है भूकंप नापा जाता है। कौन से, अगर 5 से अधिक है तो छत होगी, यानी 5 या 5 तक छत नहीं होगी, भूकंप आएगा। 8 से अधिकता पर महाविनाश, यानी बहुत भयंकर भूकंप आएगा। अब ज्वालामुखी की बात करते हैं, ज्वालामुखी अल्पास तथा हिमालय पर्वत पर कोई ज्वालामुखी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। ऊपरी परत की मोटाई और सघनता अधिक होने की वजह से हिमालय और अल्पास पर्वत पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। अब यूएसए में माउंट सेंट हेलेंस के 1980 में एक ट्रेजिडी थी, है याद कर लीजिए, माउंट सेंट हेलेंस 1980 में ज्वालामुखी का उद्गार जो है प्रचंड रूप से था, ज्वालामुखी जो है प्रचंड रूप से ऊपर की तरफ निकला था और वायुमंडल में 19 किमी ऊंचाई तक जो है एक बादल जैसा निर्माण हो गया था, जो उसका लावा हुआ निकला था उससे जो है एक बादल टाइप का बन गया था और लगभग 19 किलोमीटर जो है वायुमंडल में था। कितना प्रदूषण हुआ होगा सोच लीजिए। सुनामी की बात करें तो सुनामी एक जापानी शब्द है, टी से शुरू होता है, इसका अर्थ होता है विनाशक। इसकी जो रफ्तार है वो 700 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में जो है जब सुनामी आई थी तो वहाँ पे 7,000 लोगों की मृत्यु हुई थी और तमिलनाडु के जितने भी तटवर्ती इलाके थे वो जलमग्न हो गए थे। अब अल्लाह के बांध की बात करते हैं, ये भी दिया हुआ है प्रसिद्धि पुस्तक में। अल्लाह का बांध क्या कहा जाता है देख लीजिए आप। 16 जून 1819 को कच्छ गुजरात में भूकंप आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अरब सागर में जो है सुना उसी भूकंप के चलते अरब सागर में सुनामी आ गई। जब सुनामी आई तो गुजरात के जो तटवर्ती भाग थे वो तो लगभग 24 किलोमीटर तक, यानी कि 24 किलोमीटर तक जो है वो जलमग्न हो गए। उसके बाद जो भूमि बची जो ऊंचाई पे थी, स्थलीय भाग जो था उसे जो है वहां पे लोगों ने शरण ली और उसी को जो है अल्लाह का बांध कहा। और सन 1883 क्राकाटोआ ज्वालामुखी, क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है फूटा, जिससे भूकंप आया। फिर भूकंप जब आया तो सुनामी आई समुद्र में, सुनामी कितनी थी, 120 फीट की लहरें थी क्राकाटोआ ज्वालामुखी के समय, यानी कि 36.5 मीटर की लहरें, जिससे जावा और सुमात्रा के तटवर्ती भाग जो है जलमग्न हो गए, 3600 लोग मारे गए। काफ़ी कंप्लीट कर लिया गया, थोड़ा बचा है, 2 चैप्टर बचे हैं। अब चक्रवात की बात करते हैं, चक्रवात यूएसए में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। चीन और जापान और फिलीपींस में टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, भारत में चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है 180 से 400 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। 26 अक्टूबर 1999 उड़ीसा, इंपॉर्टेंट है, 6 मीटर ऊंची लहरें उठी थी समुद्र में, जिससे 15 से 20 किलोमीटर जो है उड़ीसा के अंदर जलमग्न हो गया था। 100 लोगों की मृत्यु हुई थी, 200 गांव तबाह हुए थे। 300 किमी प्रति घंटा की तरफ स्पीड से जो तूफान आया था। अब भूस्खलन क्या होता है, धरती का खिसकना, भूस्खलन हो गया। मानव जनित आपदाएं कौन सी होंगी, जैसे भोपाल गैस त्रासदी थी, यूएसए में जो है नागासाकी हिरोशिमा में जो है सन 45 में जो है बम गिराए गए थे, ये मानवीय आपदाएं हो गई। यूक्रेन के चेरनोबिल स्थित ऊर्जा संस्थान में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी सन 1986 में, चेरनोबिल याद रखिएगा चेरनोबिल, और उसको थोड़ा सा देख भी लीजिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1986 में हुई थी, इससे जो है रेडियो एक्टिव पदार्थों का रिसाव हुआ था जिससे जो है काफ़ी लोग मारे गए थे। अब AIDS, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ये एक विषाणु है,
याद रखिएगा, इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। पाठ दस की बात करते हैं, हमारी जीवन शैली एवं पर्यावरण, ठीक है, क्या है, वृक्षों का कटाव, नदियों पर बांध बनना, बांध बनाए जा रहे हैं, विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, वृक्षों का कटाव हो रहा है, अंधाधुंध धुंध खनन हो रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, इस वजह से जो है जीवन शैली बिल्कुल एकदम बेकार गई है और बीमारियों ने जो है जकड़ लिया है। अब रेफ्रिजरेटर और एसी, इनसे एक गैस निकलती है, सीएफसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, तो उससे जो है क्लोरो फ्लोरो कार्बन उसका फुल फॉर्म है, और ये जो है ओजोन परत का क्षरण करती है, जो विकिरण जो अल्फा बीटा गामा किरणें हैं उनको ओजोन लेयर रोकती है वायुमंडल में आने से, उनका क्षरण कौन कर रही है, सीएफसी। अब बात करते हैं चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल भगोड़ा थे, उनका जन्म 9 जनवरी 1927 को हुआ था, उन्होंने जो है एक अभियान चलाया था जो है पेड़ों के बचाव के लिए, पेड़ काटे ना जाएं तो उनसे पेड़ों से चिपक जाते थे, इस वजह से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। और एक बात आप इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है पर्यावरण गांधी कहे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण गांधी याद रखिएगा। ई कचरा और ई गॉर्बेज क्या होता है, पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान, घिसा पिटा सामान जो है वो पुराना कचरा हो गया। पाठ 11 पे चलते हैं, पाठ 11, पर्यावरण संतुलन सबसे बढ़िया हो सकता, ठीक है, ग्रीन हाउस कौन से होते हैं, हरित गृह, ग्लास हाउस, सेल्फ मेड हाउस बनाए गए, ग्रीन हाउस, पेड़ नहीं लगा रहे हैं, ग्रीन हाउस बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर से जो है वायुमंडल जो है तापमान में वृद्धि हुई, ठीक है, और वायुमंडल की सुरक्षा तो हो गई लेकिन तापमान में वृद्धि हुई, जिसके कारण जो है जो वास्तव में ग्रीन हाउस पेड़ लगाने चाहिए वो नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। अब देश में कुल भाग जो है क्या कहते हैं 19% वन है, होने कितने चाहिए 33%, इतने हैं 19%, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% होने चाहिए, वन्य जीवों का संरक्षण होना चाहिए, नहीं हो रहा है, पेड़ पौधे जो है लगाने चाहिए, नहीं लगाए जा रहे हैं। पार्ट 12 की तरफ चलते हैं, पार्ट 12 में आप याद रखिए जो है पृथ्वी का पार्ट 12, वर्षा जल संचयन पुनर्भरण, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं देख लीजिए। पृथ्वी पर पानी जो है 97%, ठीक है, शुद्ध जल 3%, संपूर्ण शुद्ध जल, अब देखिए 97% जो है क्या कहते हैं समुद्री जल है और शुद्ध जल 3%, अब शुद्ध जल जो 3% है, 3% जो है शुद्ध जल, उसमें से 77% जो है ग्लेशियर और बर्फ हो गए, ठीक है, 10% झील नदी और झरने हो गए 3% में से, और 11% क्या हुआ, भूजल हो गया, ठीक है, जो भूमिगत जल है 800 मीटर नीचे तक, और उस 800 मीटर नीचे के फिर 800 मीटर नीचे तक 11% फिर भूजल हो गया, तो कुल मिलाकर के इन्हीं 3% में से सब कुछ चल रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मनुष्य के भार का जो है 65% जल होता है, पूछ लिया कि मनुष्य के भार में जल की मात्रा कितनी होती है, तो मनुष्य के भार का 65%, बिना भोजन कई सप्ताह तक जिया जा सकता है लेकिन बिना पानी जो है केवल 6 दिन तक जिया जा सकता है, 1% जब जल की कमी होगी तो प्यास लगेगी, 5% में त्वचा सिकुड़ने लगेगी, 15% में मृत्यु हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 22 मार्च, 22 मार्च को मनाया जाता है, भारतीय जल नीति तो 1987 में आई थी, ठीक है, फिर राष्ट्रीय जल नीति तो उसको बनाया गया, यानी कि 2002 में, राष्ट्रीय जल नीति बनाने के पीछे कारण क्या था, जल को दुर्लभ और बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन माना जाए, इसी तर्ज पे जो है उत्तर प्रदेश ने राज्य जल नीति बनाई थी, उनका भी यही मोटो था, ये हुआ था 2002 में। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आगे जो मैं वीडियो लेके आऊँगा वो आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा जिसमें जो है तथ्यात्मक रूप से होगा, स्मरणीय तथ्य होंगे, और मैं कोशिश करूंगा जो है प्रसिद्ध किताबों से ही मैं क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लेके आऊँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, अब आपने पूरी प्रसिद्ध किताब पढ़ ली है, इसमें देखिए कितना इम्पोर्टेंट कितना, तो जो भी क्वेश्चन प्रसिद्ध किताबों के हैं, चाहे वो विज्ञान के हों, चाहे हम भूगोल के हों, चाहे क्या कहते हैं नागरिक शास्त्र के हों, चाहे संविधान के हों, उन सब सबको पढ़ना है, उन सबका निचोड़ जो है
लेके आना है। तो मैंने आपको पर्यावरण यहाँ पे पढ़ा दिया और काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, वो वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी दोस्तों लंबा हो गया, लगभग 40-45 मिनट का हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है ये प्रसिद्धि जो पुस्तक है इसके बारे में लोग जानें, तो मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और मुझे ये भी सजेशन दें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ, कौन सा टॉपिक आना चाहिए, किस प्रकार आना चाहिए, अगर वन लाइन वाला आना चाहिए, क्वेश्चंस आगे मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे वीडियो देखते रहिए।